हाय गाइस, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द 8 मंथ्स टू द कैट एग्जाम। यार 8 मंथ में तो फील नहीं आती जितनी डेज में आती है। 240 डेज फॉर द कैट एग्जाम, अभी थोड़ा टेंशन बढ़ता है। 240 डेज आर लेफ्ट फॉर द कैट एग्जाम। ठीक है, तो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द कंप्लीट स्ट्रेटजी ओवरव्यू अबाउट हाउ टू प्लान योर कैट स्टडीज, व्हेन टू डू व्हाट एंड ऑल द एग्जाम वी कैन टेक। सो दिस मोर ऑफ अ ओवरव्यू वीडियो फॉर द कैट प्रिपरेशन। तो पहला काम करो कि लास्ट ईयर का पेपर डाउनलोड करो फ्रॉम cetking.com/cat2017। एक बार लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करो या देखो अभी, बिकॉज टू अर्ली टू सॉल्व द पेपर एज अ मॉक। आप एक बार पेपर का एनालिसिस करके देखो, दे वर लॉट ऑफ क्वेश्चन विच वर वेरी वेरी इजी। ठीक है, बिकॉज कैट का पैटर्न हैव कम्प्लीटली चेंज। इनफैक्ट पिछले 3 साल से पेपर ऐसे आया लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, कि कैट का लेवल हैव डिक्रीज अ लॉट। सो आप पहला काम करो, ये डाउनलोड करके रखो अपने पास, तो कैट का पेपर, सो दैट वी कैन जस्ट गो थ्रू द काइंड ऑफ अ पेपर, काइंड ऑफ क्वेश्चन विच कम इन द कैट एग्जाम। ओके, मूविंग टू स्ट्रेटजी पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम वी हैव। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर टिल मार्च, ये अपना अगला 1 साल का कैलेंडर है। वी हैव टू अनफॉर्चुनेटली गोइंग टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, पूरे 12 महीने पढ़ना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यार पैकेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नवंबर में एनमेट आएगा, दिसंबर में कैट आएगा, कैट से एक हफ्ता पहले IFTP होता है, देन जैन में वी हैव स्नैप, जैट एंड मार्च में CET। सो दीज आर द 5-6 मेन एग्जाम विच वी कैन टारगेट। तो आपको जो जो एग्जाम टारगेट करना है दैट यू कैन डिसाइड। ठीक है, तो अब ये लेके जो नवंबर के बाद सारे एग्जाम है। सो जो भी प्रिपरेशन करना, वी हैव टू डू इट बिफोर दैट। सो मैंने क्या किया, आई हैव डिवाइडेड द प्रिपरेशन टू 4 फेजेस एज द इमोशंस चेंजिंग, बिकॉज 1 साल तक तैयारी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो पहला फेज इज योर हनीमून पीरियड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगला 3 महीना जितनी पार्टी करनी, जितनी फिल्में देखनी देख लो, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग दिस टाइम टेबल फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। तो 3 महीना अपना पूरा हनीमून पीरियड है। इंडियन स्टूडेंट सीरियस होता है जुलाई में जाके, इसके बाद आके वो सीरियस होगा। वाई? बिकॉज इंडियन स्टूडेंट हम लोग यार डेट शीट आने के बाद एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, हमारा जो होता है कि सबको पता कि मार्च में एग्जाम आ रहा है, लेकिन वो जब तक वो डेट नहीं आएगी तब तक हम लोग सीरियस होते। जिस दिन डेट आई, ओ माई गॉड एग्जाम आ गया। ठीक है, तो कैट की डेट शीट आएगी जुलाई में, तो जुलाई में आते ही पब्लिक एकदम सीरियस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हनीमून पीरियड इन्जॉय कर लिया, फिर सीरियस हो गया। लास्ट का 2 महीना एकदम से प्रेशर आएगा, दिस इज वेयर 50% ऑफ पीपल क्विट कैट का प्रिपरेशन। ठीक है, ट्रस्ट मी, फाइन, कैट खत्म हुआ, कैट के बाद रिबाउंड फेस, स्कोर अच्छा नहीं आया तो बाकी एग्जाम की तैयारी, तो दैट अ टिपिकल ट्रेंड वी हैव, फाइन। अभी इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लेट्स इमेजिन द डेट, कैट इज ऑन December 1, December 2। 99% कैट का डेट December 1, 2 ही आने वाला है इस साल का। ठीक है, अभी तक डेट आया नहीं है, बट मेरे ख्याल से December 1 or 2 ही देगा। तो अभी अपने सामने वेरव्यू स्टडी अपने सामने चिपका दो, December 1 इज माई टारगेट। तो अगस्त से लेकर नवंबर तक आई हैव गॉट 8 मंथ्स का टाइम विद मी टू प्रिपेयर। ठीक है, सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर द 8 मंथ्स प्रोग्राम। ठीक है, एंड 1 साल तक पढ़ना है, ऊपर से आप जॉब भी करते हो, कॉलेज भी जाते हो, तो ऑब्वियसली सब कुछ हैंडल करना इज नॉट ईजी एट ऑल। सो मैंने इन सबको फेज में डिवाइड कर दिया, डिवाइड कंप्लीट प्रिपरेशन टू फेजेस। सो फेज 1 बेसिक फेज, सो अप्रैल, मई, जून इज योर बेसिक फेज। सो इफ यू आर अ सीटिंग स्टूडेंट, आपके पास हमारा येलो बुक्स है, योर टारगेट टू कंप्लीट द येलो बुक्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, जॉब करते हो, क्या करते हो, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, लेकिन आपको ये 5 बुक्स कंप्लीट करना है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जो आराम से होगा भी। ठीक है, बिकॉज बेसिक करना, आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि एग्जाम में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो येलो बुक इज़ माई फर्स्ट टारगेट टू कम्प्लीट द बेसिक्स। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस फेज हम लोग बेसिक करेंगे, इफ़ यू आर सीटिंग स्टूडेंट और इफ़ यू प्लान टू जॉइन अस, सो विल फोकस ऑन द वीकली होमवर्क्स एंड वीकली टॉपिक। सो हफ्ते हफ्ते आप 4-5 टॉपिक करते जाओ, तुम्हारा पूरा सॉल्व हो गया। एंड टेक अ टेस्ट, वीकली टेस्ट। आपके लॉग इन आई डी में देर आर 400 टेस्ट, 400 टेस्ट तुम खत्म नहीं करने वाले, इट्स इम्पॉसिबल टू कम्प्लीट। ठीक है, तो दैट इज़ योर फर्स्ट टारगेट टू कम्प्लीट द बेसिक्स बाय June 30। ट्रस्ट मी, मैक्सिमम पीपल स्टार्ट देयर कैट प्रिपरेशन इन June-July। जून में आकर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, इट विल बी लेट फॉर देम, क्योंकि फिर जॉब के साथ साथ करना विल नॉट बी ईजी फॉर देम। ठीक है, हमारे पास ये एडवांटेज है दैट वी आर गेटिंग अ हेड्स अप बिफोर दैट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ASAP। ठीक है, तो जून जुलाई में हम लोग उतने की जगह अगला 3 मंथ को अच्छे से तैयारी कर लो, सो दैट वी कैन कम्प्लीट एवरीथिंग इन द फेज 1। तो फेज 1 का फर्स्ट टारगेट इज June 30 तक पूरा बेसिक खत्म होना चाहिए। जॉब करते हो नहीं करते हो, मुझे सारे टॉपिक्स आने चाहिए बाय June 30, ताकि मेरा एक लेवल पूरा प्रिपरेशन हो गया, नाउ आई एम रेडी फॉर द एडवांस लेवल। ठीक है, सो आफ्टर दिस वी मूव टू फेज 2, इज अ ग्रीन फेज विच आई हैव। ग्रीन फेज का मैं, व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग सीरियस, वी स्टार्ट गोइंग टू एडवांस लेवल, बिकॉज ऑब्वियसली कैट इतना भी इजी नहीं आने वाला, लेकिन क्रैक एवरीथिंग।
ठीक है. आई एम गोइंग टू अपलोड मोर वीडियोज लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज मोर ऑफ ओवरव्यू वीडियो. वंस वी गो डीप डन इनटू दिस आई विल गिव यू द क्वेश्चंस कि ये टॉपिक कर लिया तो 80% पक्का है, इतना कर लिया तो 95% एंड ये पूरा कर लिया तो 100%. तो अगर 100% 99% टच करना है तो आपको ग्रीन फेज में जाना ही पड़ेगा बिकॉज येलो फेज कैन इंश्योर यू 80%. ठीक है, आई कैन प्रॉमिस यू 80% अपने आराम से आएगा अगर अपने जून तक जितना किया उतना एग्जाम के लिए कर लिया तो. ठीक है, देन वी गो टू फेज टू फॉर द ग्रीन लेवल. ग्रीन में आके वी गो टू एडवांस लेवल इन एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट 3 months. उसके बाद लास्ट 2 months वी आर गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग एज अ मैराथन, क्योंकि ये फेज में आके यू नीड अ हैंड होल्डिंग. दिस इज वेयर आई कम इन टू पिक्चर मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज लास्ट में आके यार सारे कोचिंग वाले 2 महीने पहले पूरा सिलेबस खत्म करा के दे से बाय बाय टू यू. दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद ऑल द कोचिंग क्लासेस. उनका मेन टारगेट है कि सिलेबस खत्म करना, कि भाई मैंने तुम्हारा सिलेबस खत्म करा दिया अभी तुम मेरे को आगे बोल नहीं सकते. ठीक है, सो दिस इज वेयर आई स्टार्ट पुलिंग अप द फेस बाय सेइंग कि लेट्स मूव टू द मैराथन्स नाउ. सो हफ्ते में एक दिन विल मीट, हम लोग एक दिन 6-6 घंटे का लेक्चर लगा के विल कंप्लीट द फुल टॉपिक. हफ्ते में एक दिन या 3-3 घंटे के हफ्ते में 2 दिन. सो दिस यू कैन जॉइन अस ऑनलाइन इफ यू आर नॉन सीटिंग स्टूडेंट, यू कैन जॉइन अस ऑनलाइन और यू कैन जॉइन अस फॉर द क्लासरूम प्रोग्राम. जैसे भी आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं फेज टू. ठीक है, बाद वी लुक एट फेज 3 विच इज अ नॉन कैट एग्जाम. आई डोंट बिलीव इन वन एग्जाम यार, 5 एग्जाम है इंडियन स्टूडेंट, 5 एग्जाम देगा एक तो पास करेगा करेगा. सो लेट्स कीप ऑल द बेट्स ओपन. ऑब्वियसली द फर्स्ट मेन एग्जाम इज द कैट एग्जाम, बट बाकी एग्जाम को हम इग्नोर नहीं कर सकते. सो वट वी विल डू, वी गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्लू बुक्स आफ्टर द कैट एग्जाम फॉर द नॉन कैट एग्जाम, स्नैप एंड मैट सीईटी ऑल द अदर एग्जाम्स. सो फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 बार पूरा सिलेबस खत्म कर लिया तो ऑब्वियसली, एंड 5 एग्जाम दे दिया तो ऑब्वियसली यार स्कोर आएगा ही आएगा. यू हैव टू पुट अप योर हार्ड वर्क. इन केस यू आर जॉइनिंग अस एज अ टैग टीम के यार हमारा भी क्या हो गया था इंडियन स्टूडेंट, मुझे आप बुक दे दो कि यार ये बुक पास कर ले तेरा एग्जाम निकल जाएगा, मैं वो करूँगा रात भर बैठ के 2 दिन डाल के मैं करूँगा, बट मैं खुद वो बुक ढूंढने नहीं वाला. आई नीड अ मेंटर, आई नीड समवन टू टेल मी व्हाट टू डू. ठीक है, सो दिस इज वेयर वी कमिंग टू पिक्चर एट सीटिंग. आई एम गोइंग टू अपलोड अ मंथली स्ट्रैटेजी वीडियो लाइक दिस, काइंड ऑफ अ स्टेटस चेक कि तुमने क्या क्या कर लिया, कितना बाकी है ऑन अ मंथली बेसिस. एंड देन वी गो डाउन टू द वीकली बेसिस कि हफ्ते के हफ्ते तुम कितना करते जा रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू पोस्ट विच इज द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू बैच इज गोइंग टू बी वीकली होमवर्क. ये हफ्ते में तुम्हें ये टॉपिक खत्म करने हैं. ठीक है, अपने पास अभी 8 महीना बाकी है, तो 8 × 4 = 32, 35 हफ्ते अपने पास बाकी हैं. 35 वीक्स में से इफ यू नॉट सीटिंग स्टूडेंट, मेरा एक भी हफ्ता अगर आपने होमवर्क फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी दैट विल यू यू विल अंडरस्टैंड कि द वे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड वो कोई बात नहीं करता, ट्रस्ट मी. और तुम जितने भी वीडियो देख लो, मैक्सिमम वीडियो टॉक्स अबाउट मैथ्स का टॉपिक, लॉजिक का टॉपिक, स्ट्रैटेजी कोई बात नहीं करता. ठीक है, एंड दिस इज वॉट आई एम डूइंग फॉर द लास्ट 5 ईयर्स कि स्ट्रैटेजी मेरे को दे दो. ठीक है, मेरे को ज्वाइन करो ना करो बात की बात है, आप स्ट्रैटेजी का काम मेरे ऊपर डाल दो कि जस्ट फॉलो द प्लान. ठीक है, बिकॉज प्लानिंग आना ही बहुत जरूरी है, ट्रस्ट मी यार. इंडियन स्टूडेंट के दिमाग में प्लान बैठ गया ना, एक टाइम टेबल दिन का बैठ गया तो वी कैन रॉक, वही नहीं होता हमारे से. ठीक है, सो फेज 1, फेज 2, फेज 3, लेट्स ज्वाइन टू 3 फेजेस. हर फेज का बुक्स लग गया, फेज 1 का बुक्स खत्म करो निकाल के बाहर फेंको. फेज 2 आया, ग्रीन बुक खत्म किया निकाल के बाहर फेंका, फिर फेज 3 आ गया. सो दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू परफॉर्म इन द कैट एग्जाम. और सो इन केस यू प्लान टू जॉइन अस, सो वी हैव दिस प्रोग्राम फॉर कैट एंड अदर एग्जाम्स इन विच यू गेट द डेडिकेटेड बुक्स, ऑल द शॉर्टकट्स, बिकॉज दैट्स वॉट आई बिलीव इन. बिकॉज कैट में अगर 100% टच करने हैं तो शॉर्टकट्स आना बहुत जरूरी है. एग्जाम्स स्ट्रैटेजी विच इज द मंथली वीकली टाइम टेबल्स एंड ऑल एंड डेडिकेटेड मॉक्स. ठीक है, सो विद द एंड द बेस इज अ न्यू पेपर पैटर्न. तो इन केस यू वॉन्ट टू जॉइन अस, यू कैन कॉल अस ऑन एनी ऑफ दिस नंबर्स फॉर द क्लासरूम प्रोग्राम और द ऑनलाइन प्रोग्राम. And you can join our program. So we have a branches in Thane, Vashi, Dadar, Mumbai and Pune basically. Or you can join for the online program if you are based out of Mumbai. So how we are going to work, how it's going to work is every week I'll give you homework. Same lectures will be available online for you. Aapko wo dekhe and book solve karke you have to take a test. Test dena is most important thing, more important than attending the, than joining the program, than studying for the book. Kyunki test dete jaoge hafte ke hafte apna kaam hota jayega. 400 tests यार तुम ख़त्म नहीं करने वाले. ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा. ठीक है, अभी क्या है कि यार जॉब भी करना है, इतना कुछ करना है, तो देर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन. सो व्हाट वी आर, व्हाट आई बिलीव इन अ वीकली टारगेट्स, कि तुम सब हटाओ यार, सब कैट देना स्नैप देना मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को वीकली टारगेट खत्म करने. तो हफ्ते के हफ्ते व्हिच एवर टॉपिक वी आर गोइंग टू डू, यू हैव टू कंप्लीट दोज टारगेट्स ऑन द वीकली बेसिस. सो डाउट्स, मॉक्स, लेक्चर्स, टेस्ट,
ई क्लास. मॉक्स अभी नहीं देंगे, मॉक्स विल स्टार्ट फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स. एक बार दो महीना कुछ सिलेबस थोड़ा खत्म हो जाए उसके बाद विल स्टार्ट गिविंग द मॉक्स. बट अभी के लिए दिस इज योर वीकली होमवर्क. तो अप्रैल 1 से वी आर लॉन्चिंग द न्यू बैच. इन केस यू वांट टू जॉइन अस यू कैन जॉइन अस नाउ इन द नेक्स्ट वन वीक सो दैट अप्रैल 1 से यू कैन बी अब्रेस्ट विद द न्यू बैच एंड आपके पास बुक्स वुक सब आ जाएगा. ठीक है, तो वीकली होमवर्क हमारा चलता जाएगा सो दैट आप उसको ट्रैक करो बस. ठीक है, कैट है नवंबर में है, दिसंबर में है, स्नैप है, क्या देना मुझे नहीं पता. मुझे ये हफ्ते में चार टॉपिक खत्म करने हैं. तो हर हफ्ते तीन चार पांच टॉपिक आएंगे, पांच टॉपिक आपको खत्म करना है सो दैट वी आर डन विद द सिलेबस. वो तुम दो दिन में खत्म करो, वो डेली दो दो घंटा डालो, एक एक घंटा डालो, दैट्स टोटली योर विश हाउ यू वांट टू प्लान इट. बट यू हैव टू कंप्लीट दिस थिंग इन द नेक्स्ट ऑन द वीकली बेसिस. फाइन, सो दैट्स ऑल वांटेड टू कवर अप इन दिस वीडियो. सो यू कैन गो टू catseating.com/cat and seating.com/cct टू गेट द मोर डिटेल्स अबाउट द कैट एग्जाम एंड ऑल. इन केस यू वांट टू जॉइन अस यू कैन कॉल अस ऑन दीज नंबर्स. फाइन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीकली होमवर्क एवरी वीक. सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल हियर बाय क्लिकिंग ऑन द सर्कल सो यू गेट ऑल द अपडेट्स ऑटोमेटिकली about the upcoming videos and click on the box here in case you want to join us for the program. Okay, all the best and thank you very much for watching this video.